हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास जो है अमेज़ॉन फायर स्टिक है और अगर उसका रिमोट किसी भी वजह से काम नहीं कर रहा है, चाहे वो जो है माल फंक्शन हो गया हो या उसकी बैटरी जो है डेड हो गई हो, तो ऐसे केस में कैसे आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके और आप अपने फायर टीवी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अमेज़ॉन फायर स्टिक का अगर आप रिमोट लेने जाते हैं तो वो एक्चुअली काफ़ी महंगे होते हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो जुगाड़ के तौर पे आप अपने स्मार्टफोन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी ही सिंपल है, तो चलिए मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है फायर टीवी। इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको जो है इसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको जो है इसको सेटअप करना है। जैसे ही आप इसको सेटअप करेंगे यानी कि अपने फायर टीवी से कनेक्ट करेंगे, उसी टाइम पे आपका जो फायर टीवी है उसी नाम से आपको जो है एक वाईफाई का सिग्नल दिखाई देगा, वो आपको जो है चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपका जो स्मार्ट टीवी यानी कि जो फायर टीवी का जो हार्डवेयर डिवाइस है वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ऐप का जो सेटअप है वो काफ़ी सिंपल है, साथ ही में इसका इंटरफेस है वो भी काफ़ी सिंपल है। आपको जो यहाँ पे देखिए नीचे तीन टैब दिखाई दे रहेंगे जिसमें आप चैनल चूज़ कर सकते हैं, इसको कास्ट कर सकते हैं, और तीसरा है रिमोट। रिमोट में आपको लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम और बीच में ओके का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक माउस का ट्रैक पैड भी है अगर आपको जो है अपना फायर टीवी को जो है किसी पर्टिकुलर एक्शन वहाँ पर करना है। साथ ही में अगर आपको कुछ सर्च करना है तो यहाँ पर आप अपने जो स्मार्टफोन का कीबोर्ड है उसकी हेल्प से वहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, क्योंकि फायर टीवी का जो रिमोट है ना उससे सर्च करना एक्चुअली काफ़ी हैक्टिक होता है। तो ये इसके काफ़ी बेसिक से फंक्शन है, बहुत ही इजी टू यूज़ ऐप है, आप इसका इस्तेमाल बड़ी ही इजीली कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप जो है चैनल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप YouTube है या Amazon Prime की ऐप है, कोई और ऐप है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए डायरेक्टली मैं आपको एक बार ये ऐप जो है यूज़ करके दिखा देता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं अपना जो फायर टीवी है उसके साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। अभी मेरे पास एक्चुअली एंड्रॉयड डिवाइस है और आप देख सकते हैं जब भी मैं जो है इस वीडियो को जो अभी सामने चल रही है उसको प्ले पॉज करता हूं या फॉरवर्ड या बैकवर्ड करता हूं तो वो सारा एक्शन अभी लाइव हो रहा है। मैं अभी अपना जो फायर टीवी का जो रिमोट है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली मैं इसी ऐप के थ्रू ही इसे एक्चुअली कंट्रोल कर रहा हूं। इन वीडियो एक्शन के साथ ही आप जो है बैकवर्ड जो बटन है देखिए मैंने उसका इस्तेमाल किया। अब मैं जो है राइट जब मैं कर रहा हूँ तो जो मेरी वीडियोस हैं वो देखिए नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं, बॉटम की वीडियोस देखिए आपके सामने जो है आ रही हैं, और जब मैं इनके ऊपर ओके करता हूँ तो वो वहाँ पे वीडियो वगैरह भी प्ले हो जाता है। तो ये जो ऐप है काफ़ी ही बढ़िया है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यार आपको ये ऐप कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।